हाय गाइस, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी की ओर से रियलमी C33, जिसके मैं फुल हिडन फीचर्स के बारे में बात करूँगा। इस फ़ोन के अंदर क्या क्या हिडन फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर नए नए क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिए, अगर आप ये वीडियो को थोड़ा सा भी देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आ चुके हैं होम स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर आपको जो है नीचे की ओर आपको काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है होम सेटिंग। होम सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा होम नोटिफिकेशन, एयर ड्रावर सेटिंग, तो ड्रावर सेटिंग के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग, तो इसके अंदर आप वॉलपेपर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। नीचे की ओर आपको मिलेगा डार्क थीम का ऑप्शन, तो आप यहाँ से जो है फ़ोन की जो है डार्क थीम भी चेंज कर पाएंगे। इसी तरह से आपको मिल जाएगा मेन सेटिंग के अंदर हम चले जाते हैं सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे जो है सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा डिजिटल वेलबिंग। इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि फ़ोन को कितने बार कितने टाइम तक यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी जो डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता लगेगा। डेस्कटॉप के अंदर क्या पता लगेगा आप फ़ोन को कितने बार कितने घंटे तक यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको नीचे एप्लीकेशन के डेटा मिलेंगे, आपने कौन से एप्लीकेशन को जो है कितनी बार को यूज़ किया है। इसी तरह से आपको नीचे की ओर मिलेगा फोकस मोड। फोकस मोड में क्या होगा कि आप कोई सी भी चीज़ को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते तो आपको फोकस मोड को जो है इनेबल करके रखना है। तो क्या होगा कि जब भी आप फोकस मोड इसे आप इनेबल करके रखेंगे, तो आप जब भी वो एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट मोड का एक जो है अलर्ट देखने को मिलता है। तो ये कमाल का फीचर्स आपको फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से आप जो है नीचे की ओर चले जाते हैं, आपको मिल जाता है एक्सेबिलिटी। एक्सेबिलिटी के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्स्ट्रा डिम एंड डार्क डिम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेता हूँ, तो आपको मिल जाता है, तो अब जो नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं, आपको मिल जाता है सिस्टम एंड सिस्टम के अंदर आपको मिल जाता है गेस्चर का ऑप्शन। गेस्चर के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सिस्टम नेविगेशन, सिस्टम गेस्चर। इसके अंदर आप खाली गेस्चर नेविगेशन का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप गेस्चर नेविगेशन कर सकते हैं। और बटन नेविगेशन के अंदर आप लेफ्ट बार और राइट बार को जो चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसा ये बटन है ऐसे ही आपको इसे रखना होगा। गेस्चर मोड के अंदर क्या होगा कि जो बैक बटन है आपको इस तरह से दोनों तरफ से जो है बैक बटन यूज़ में आएगी, और अब स्विप करके रखोगे तो आपको जो है होम स्क्रीन पर आप यहाँ से इजीली पहुँच जाएंगे। तो ये आपके यहाँ सेटिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट बार हाई अलर्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फास्ट जो है मोबाइल को जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट फीचर के चले जाते हैं, तो आपको मिल जाता है मल्टीपल यूज़र। इसके अंदर क्या होगा कि आपको ये एक के साथ आप दो फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, अगर अलग डिवाइस के एडमिन बन के आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अलग अलग एडमिन की डिवाइस भी यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से OTG कनेक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप कीबोर्ड माउस के पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको OTG कनेक्शन को जो है इनेबल करके रखना होगा। इसी तरह से आप नीचे की ओर आएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट। ये आपको अगर जब भी आपको लगे ऐसा कि आपका मोबाइल हैंग वगैरह हो रहा, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपका फ़ोन को जो है इजीली स्मूथ वर्क करने लग जाएगा। इसके बाद आप चले आते हैं स्मार्ट कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर आपको स्मार्ट वॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट चेक योर फोन। इसके अंदर क्या होगा जब भी आप हाथ में लगे फ़ोन को, तो आपको जो है लाइट जो है ऑन हो जाएगी। और स्मार्ट वॉक में क्या होगा जब भी डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होगा इजी आंसर, जब भी आप कान के पास मोबाइल को ले जाएंगे तो आपका कॉल जो है रिसीव हो जाएगा। इजी बेल का ऑप्शन है, म्यूट इनकमिंग कॉल, जब भी फ्लिप करेंगे तो आप म्यूट इनकमिंग कॉल हो गए। ये अलग अलग तरह के मोशन जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पॉकेट मोड के अंदर क्या होगा कि ये आपको इनेबल करके रखना, टच डिसेबल, जब भी आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपका जो टच है वर्क करना बंद जाएगा। पावर सेविंग मोड, जब भी आपका बैटरी लो होगा आप पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। स्मार्ट बेल में क्या हो रहा है, रिंगटोन ऑटोमेटिकली मैगजीन एंड वाइब्रेट, जब भी हाथ में आपका फ़ोन लोगे तो आपका जो वॉल्यूम है और रिंगटोन का जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से ये अलग अलग जो ऑप्शन आपको स्मार्ट कंट्रोल में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में चले जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको सबसे पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन। इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री की मिल जाएगी, अगर इसको आपको इनेबल करके रखें। जब भी आप कोई सी भी एप्लीकेशन को स्लाइड करके हटा देते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन की जो भी नोटिफिकेशन आपको सामने आई है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, तो आपको इसे इनेबल करके रखना है। इसी तरह से आपको जो बबल्स, इसके अंदर नोटिफिकेशन के जो आइकॉन है आपको कुछ इस तरह से बबल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको इसे ऑन करना है या ऑफ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से नीचे की ओर चले जाते हैं डिवाइस एंड ऐप कंट्रोल। इसके अंदर आपको चार तरह का अलग अलग तरह का क्विक सेटअप, ऑटो
और आप ये अलग से देख सकते हैं रियल मी लिंक की तरफ से आपको एक मिला है, तो आप ये अलग अलग तरह का डिवाइस एडमिन ऐप को आप डिसाइड कर पाएंगे। इसी तरह से नीचे की ओर ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिफ़ॉल्ट ऐप का, इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप जो है सिलेक्ट करके रखना है, आपको इंटरनेट यूज़ करना है या क्रोम यूज़ करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह से आप कॉलर आईडी की बात करते हैं तो आप फ़ोन या ऐप ट्रू कॉलर वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इजीली। तो काफ़ी सारी जो है सेटिंग है आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करनी जो है आनी चाहिए। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, आपको मिल जाएगा बैटरी। बैटरी के अंदर आपको जो है बैटरी परसेंटेज को इनेबल करके रखना है। जब भी आप नया फ़ोन लेते हो तो आपको जो बैटरी परसेंटेज अगर शो होने लगेगा तो आपको पता चलेगा आपकी बैटरी जो कितने देर तक वर्क कर रही है, तो ये आपको इसे हमेशा ऑन करके, जब भी आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग ना हो तो आप बैटरी सेवर मोड को यूज़ कर सकते हो। आप टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं कि आपकी बैटरी जो लो होगी तो आपके ऑटोमेटिकली जो है शेड्यूल में आपका जो पावर सेविंग मोड जो है यूज़ हो जाए, तो ये कमाल का फीचर देखने को मिलता है। साथ में आपको एक और ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा सेविंग मोड, ये भी आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर आपको क्लोज ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक ये भी आप कर सकते हैं कि जब भी आपका स्क्रीन लॉक हो जाए तो आप कौन से एप्लीकेशन को जो है बंद करना चाहते हैं, तो जो भी है जैसे कि मैं कोई सभी एप्लीकेशन को जो बंद कर दूँ तो ये जो क्या होगा कि मेरी बैटरी जो है कम कंज्यूम होगी और मेरा फ़ोन जो है लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा। तो ये सारे कस्टमाइज ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फ़ोन के अंदर बस इतना ही था तो मैंने आपको इतना ही बताया, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।